गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट इज क्लास नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 विच इज सिमिलर ट्रायंगल्स। इन प्रीवियस क्लास वी हैड डन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि सिमिलर ट्रायंगल्स और कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिफरेंस भी देखा था। एंड व्हाट आर द सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सिमिलर ट्रायंगल्स की दो कंडीशंस बताई थी कि टू ट्रायंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ दे आर हैविंग सेम एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, राइट। अब बिफोर गोइंग इनटू दोज क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दिस थ्योरम। दिस इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, एंड ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, थेल्स द नेम ऑफ मैथमेटिशियन। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम आपके पास प्रूव करने के लिए आ सकती है। तो आपने इस थ्योरम को एकदम अच्छे से समझना है, जिससे कि आपको ये प्रूव करने के लिए आपको लिखना है होगा आपको, तो इसलिए इसको आपने ठीक से देखना है, समझना है। यस, तो ये देखिए क्या है। थेल्स थ्योरम इज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. That means we have given a triangle ABC in which ABC, in which if a line is drawn parallel to one side of a triangle, in which DE is parallel to BC. फिर एक बार देखो, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at the distinct point. तो यानी कि we have drawn this line DE which is parallel to BC and which intersect the other two sides at distinct points, right? तो that means given is, what is given in this theorem? Given is in triangle ABC we have AB is parallel to AD is parallel, DE is parallel to BC. This is given. And what we have to prove? Dekho, intersect. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at the same point, then the other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are these. So these two points divide the other two sides in the same ratio. That means we have to prove AD upon DB is equal to AE upon EC. That is what we have to prove, right? Now construction क्या है? Construction में हम क्या करेंगे कि यहां से इस पे perpendicular draw करेंगे, this one DL, and यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो EM, DL एंड EM, DL एंड EM। तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ DL परपेंडिकुलर टू AC एंड EM and EM perpendicular to EM perpendicular to AB, ठीक है, EM perpendicular to AB, ये हमने perpendicular draw कर दिया, okay, and join DC and BE, then join DC and BE, ठीक है, ये हमने join कर दिया DC and BE। अब चलते हैं proof है, पहले हम देखते हैं कि area of triangle ADE, area of triangle ADE
अपॉन, पहले हम ए डी ले लेते हैं और ए डी ई एंड डी सी ई, ए डी ई, पहले मैं इस वाले ट्रायंगल को लेता हूं ए डी ई एंड बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, ए डी ई दिस वाले ट्रायंगल और बी डी ई वाला ट्रायंगल। तो ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस, बेस क्या है इसका, इस ट्रायंगल का देखो ए डी का बेस जो है ए डी है और इनटू परपेंडिकुलर क्या है ई एम अपॉन, इस वाले ट्रायंगल में देखो आप, इस वाले ट्रायंगल में इसका बेस क्या है हाफ डी बी इनटू इसका परपेंडिकुलर क्या है ई एम। अब यहां पर देखो कोई भी ट्रायंगल ऐसा है, ये इस तरह का ट्रायंगल है, तो जैसे सपोज ए बी सी है, मुझे इसका बेस देखना तो ये बीसी होगा और परपेंडिकुलर को ये बाहर होगा इसका, तो ऐसी इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी देखो बेस तो आपके पास डीबी है बट परपेंडिकुलर इसके बाहर हो सकता है, अल्टीट्यूड तो बाहर भी जा सकता है ना किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है, तो इसलिए तो डीबी इंटू ईएम, तो ईएम से ईएम कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, इट इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब पहले मैंने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लिया है, अब इसी ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को लेते हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ए डी ई अपॉन सी डी, तो ए डी ई का, ए डी ई का अब देखो इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो अब बेस ले लेंगे ए ई, हाफ ए ई और इनटू डीएल ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा हाफ बेस के लिए ई सी इनटू डीएल, डीएल से डीएल कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू ए ई इनटू ए ई अपॉन ईसी, इट इज नंबर टू, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं कि अभी मैं इसको मिटा देता हूं यहां तक, यस। अब ये देखेंगे आप, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ाया कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, बिकॉज ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज, तो आल्सो वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी, ठीक है, बिकॉज ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज, ये आपने पहले नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी हैव एडी अपॉन डीबी, ए देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन बीडी और एडी अपॉन सीडी, तो देखो एडी एडी सेम है और बीडीई और सीडी ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया, देखो एडीई जो है एडी के इक्वल है और बीडी जो है सीडी के इक्वल है, ये है बिकॉज ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन, जब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये भी इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन
EC. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो ये आ गया हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम व्हिच इज बीपीटी. अच्छा, फर्दर हम जो है कोरोलरी ऑफ बीपीटी भी यूज कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा कि इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल तो यूजिंग बीपीटी वी हैव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. अब कोरोलरी बीपीटी क्या होती है कि अगर आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो किसी क्वेश्चन में कि जब ये इसके पैरेलल AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है तो इसको हम ऐसे भी सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC या DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC. तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऐसे भी इसमें यूज कर सकते हो आप यूजिंग कोरोलरी ऑफ बीपीटी. यस, आफ्टर दिस वी हैव नाउ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मींस उसका जो बीपीटी है उस थ्योरम का उल्टा. तो क्या है इसके अंदर स्टेटमेंट है इसकी, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइंस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. मींस ये ट्राइंगल है आपके पास, हमारे पास सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है. अब ये क्वेश्चन है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो. अब ये देखो ये लाइन है, सपोज दिस लाइन इज एल और ये डी है ये ई है, तो डिवाइड इन द सेम रेशियो दैट मीन्स वी हैव गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी AD upon DB is equal to AE upon EC. That is what we have given. Okay? And we have to prove DE is parallel to BC. Same वही question, इसका converse हो गया. जैसे उस वाले triangle में क्या, उस वाले theorem में क्या given था BPT में कि if ये DE parallel to BC था तो we had to prove AD upon DB is equal to AE upon EC. इस क्वेश्चन में कन्वर्स में क्या हो गया, इस थ्योरम में कन्वर्स में क्या हो गया कि इफ वी हैव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC देन वी हैव टू प्रूव DE पैरेलल टू BC. दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो प्रूव कि हम इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं कि हमने ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है. तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ए इसके पैरेलल नहीं है. लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी. मतलब हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं. कॉन्ट्रडिक्शन मींस क्या हो गया कि जैसे हमने डी ई पैरेलल टू बी सी प्रूव करना था, हमने एज्यूम कर लिया कि ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई लाइन जरूर होगी जो इसके पैरेलल होगी. तो लेट Then, let एक लाइन सपोज ये है, मैं इसको ले लेता हूं F ले लेता हूं, ठीक है. तो let DF is parallel to BC. Assume कर दिया मैंने कि अगर DE parallel to BC है तो कोई एक लाइन ऐसे जरूर होगी जो इसके parallel है. तो सपोज DF parallel to BC है, हालांकि हमें दिख नहीं रहा मगर हमने assume कर लिया, ठीक है DF parallel to BC. अब आ जाओ प्रूफ में. नाउ एज इन ट्राइंगल एबीसी एज डी एफ पैरेलल टू बीसी, ये आपने अभी अज्यूम किया ना डी एफ जो है बीसी के पैरेलल है, तो यूजिंग बीपीटी, बीपीटी यूज करो जब ये इसके पैरेलल है तो एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू इसका टू क्या हो जाएगा AF अपॉन FC. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. बट हमारे पास क्या गिवन है, बट गिवन क्या गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD upon DB ये दोनों इक्वल है तो AF upon FC is equal to हो जाएगा AE upon EC.
right? AF upon FC is equal to AE upon EC. But हमने तो DE parallel to BC लाना है, तो कैसे लाऊं? DF, अब मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, AF upon FC is equal to AE upon EC. अब इसमें ऐसा कर लेता हूं, मैं adding one on both side. एड कीजिए वन, दैट इज एफ अपॉन एफ सी प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी प्लस वन. तो एफ सी टेक इज एलसीएम ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू ई सी टेक इज एलसीएम ए प्लस ई सी. तो ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी कितना हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू ए प्लस ई सी कितना हुआ? ए सी. अब ए सी से ए सी काट दो तो एफ सी इज इक्वल टू आ गया ई सी. जब हमारे पास एफ सी इज इक्वल टू ई सी आ गया, देखो फिगर में देखो, एफ सी इज इक्वल टू ई सी. तो जब एफ सी ई सी इक्वल है तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ई और एफ एक ही पॉइंट पे होंगे, तब ये दोनों इक्वल हो पाएंगे ना. देखो अभी तो दिखने से तो ई एफ इज इक्वल टू ये दोनों इक्वल नहीं है, मगर ये तभी पॉसिबल है जब ई और एफ जो होंगे एक ही पॉइंट पे होंगे. तो ई एफ इज इक्वल टू एफ सी, बट इट इज पॉसिबल ओनली इफ only if E and F are coincides, जब एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड होंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब एक ही पॉइंट पे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि DE parallel to क्या हो जाएगा? BC. क्योंकि E और F जो है हमने लिया हुआ था कि DE parallel to BC, but E और F तो सेम पॉइंट है, तो सेम पॉइंट है तो इसका मतलब मैं इसको क्या ले सकता हूं? DE parallel to BC. तो hence DE parallel to BC. This is what we had to prove. तो ये थ्योरम बेटा आपको स्टेटमेंट के साथ लर्न होना चाहिए. इसकी एप्लीकेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो बेटा ये थ्योरम आपने अच्छे से देखने के साथ साथ इसको लर्न भी कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि कहां अप्लाई करते हैं इन थ्योरम्स को, ठीक है? तो आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, तो स्टेट का मतलब आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए और उसका प्रूफ भी लर्न होना चाहिए, ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है? कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.